जिसकी आने हरम हक में विलादत हो जाए, क्यों न वो क़िबला अरबा इबादत की अदा क्या होगी जिसके चेहरे पर नजर करना इबादत हो जाए, इबादत की अदा क्या होगी जिसके चेहरे पर नजर करना इबादत हो जाए, जिसकी आने हरम में सलवात पढ़ी बन मोहम्मद आल। Akbar
जिधर गए अकबर हमें भी पास बुला लो, जिधर गए अकबर वो बलची सी ने पाखा के दिल से आ न की वो बरची सी ने पखाई के दिल से आ न की जई बाप की तन्हाई पर निगाह न की रजा जहां की। सलाम के चंद शेर पेश करता हूँ। सलवात पढ़ लीजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अकबर नबी नहीं है, नबी का शबाब है। अकबर नबी नहीं है, नबी का शबाब है। अकबर नबी नहीं है, नबी का शबाब है। सूरत है लेकिन अपनी जगह खुद किताब है। अकबर नबी नहीं है, नबी का शबाब है। वो आ रहा उदू से निकल के हो, वो आ रहा है फौज उदू से निकल के हो। अकबर तेरी अज़ाओं का ये पहला जवाब है। अकबर तेरी अज़ाओं का ये पहला जवाब है। अकबर सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी का शबाब है, अकबर नबी नहीं है, नबी का शबाब। अकबर आज़ाओं के बक सरापा रसूल था। अकबर आज़ाओं के बक सरा प
बाबा रसूल था और अब मंजिले जिहाद है, अब भूतराब है, अब मंजिले जिहाद है, अब भूतराब है। सलवात पढ़े बार मोहम्मद आले मोहम्मद। नबी नहीं है नबी का शबा है, अकबर नबी नहीं है नबी का शबा है, जज्बा कभी कटा है किसी ज़र्बे तेग से, जज्बा कभी कटा है किसी ज़र्बे तेग से, लोगों हुसैन फर्द नहीं इनकलाब है, लोगों हुसैन फर्द नहीं इनकलाब है, अकबर नबी नहीं है नबी का शबाब है, अकबर की सौं तो है निगहे वारिसे रसूल, अकबर की सम तो है निगहे वारिसे रसूल, और दीने खुदा के लपा सवाले शबाब है, दीने खुदा के लपा सवाले शबाब है, अकबर नबी नहीं है नबी का शबाब है, खुद धूप साया हो जो इशारा करें इमाम, खुद धूप साया हो जो इशारा करें इमाम, फेरा था जो अली ने वही आफ्ताब है, फेरा था जो अली ने वही आफ्ताब है, अकबर नबी नहीं है। वाह, शबाब के अकबर ने कुछ बात न देखी, शबाब के तकलीफ तीन रोज सही कहते आपकी, शिद्दत वो प्यास की वो तपिश आफताब, और बेकसी वो सिबते रिसालत मा, हाय हाय, और बेकसी वो सिबते रिसालत मा, सीना छिदे पिसर का
तो क्या दिल को कर पड़े, अयूबी जो हो तो कलेजा निकल पड़े, अयूबी जो हो तो कलेजा निकल पड़े, अयूबी जो हो तो कलेजा निकल पड़े। ये जिक्र था के आ गया रन में वो खस्ता जा, अकबर को बोले दे के कुछ फौज के जवां, किस खान माँ का आह मिटाता है ये निशान, किस बाकी बहार को करता है बेखिजा, किस बार की बहार को करता है ये खिजा, किस बाग की बहार को करता है ये, किस माँ को अपने सोग में इसने बिठाया है, किस बाप के जिगर पर छुरी को फिरा, किस बाप के जिगर पा छुरी को फिरा, नागा फौज की से उमर ने किया कला, ये वक्त कारजार है ऐसा किनान शाह, बस है यही बिसाते शहंशाह खास, मारा गया ये शेर तो मर जाएंगे इमाम, मारा गया ये शेर तो मर जाएंगे इमाम, लूटो जनाबे फातिमा जहरा के बाग, ठंडा करो हुसैन के घर के चरा, ठंडा करो हुसैन के घर के चरा, हाँ गाजियों ना इसकी जवानी का काम करो, नेजे पर नेजे मारो सितम पर सितम का, बरछी उठाओ हाथ में तेरे आलम करो, नखले मुराद सिबते नबी को कलम कर, नखले मुराद सिबते नबी को बैठने करो, अरे बेटा न जब रहा तो किधर जाएंगे हुसैन, घोड़े से ये गिरेगा तो मर जाएंगे, घोड़े से ये गिरेगा तो मर जाएंगे, घोड़े से ये गिरेगा तो मर जाएंगे, सुनते ही हुक्म दौड़ पड़ी फौज है सीता, तलवार एक लगी के हुई पसलियां कलम, यूं झुक गए के होते हैं सजदे में जैसे खम, रख दी गले पे शीश ने शमशीर तेज दम, रख दी गले पाशीस ने शमशीर तेज दम, उल्टा करो न रहम तने पास पास, दौड़ा दो घोड़े अकबर मेहरू किला, दौड़ा दो घोड़े अकबर मेहरू किला, दौड़े सदा ये सुनते ही बस शाह बहरो, बस सर पीटने की जा है
के हंसते थे अहले शाह, कहता था शिमरु ऐ पिसरे सैयदुल बशर, किसको हुजूर ढूंढते हैं मर गया पिसर, किसको हुजूर ढूंढते हैं मर गया बरछी हमारी सीनाए अकबर पचा गई, दिल और जिगर को तोड़ के बाहर निकल, दिल और जिगर को तोड़ के बाहर निकल। दो बंकी दे मन, फिर गिरते पलते लाश आए अब्बास पर गए और बोले कुछ सुना ली अकबर तो मैं, और बोले कुछ सुना अली अकबर तो मैं, हम ढूंढने को चार तरफ नंगे सह गए, मालूम है तुम्हें अली अकबर की दर्द, मालूम है तुम्हें अली अकबर की दर्द। अरे लाया हुए तिजाओ ये बरादर की लाश पर, अब्बास ले चलो हमें अकबर की लाश, अब्बास ले चलो हमें अकबर की लाश, अब्बास ले चलो हमें अकबर के लाश। नागाह आई हजरते जहरा की ये सदा, हाय हाय हुसैन तेरे तड़पने के मैं फिदा, दम तोड़ता है गोद में मेरी ये महलका, मरता है कोई आन में आ मेरे दिल, मरता है कोई आन में आ मेरे दिल। अरे देखे ये तुमको तुम इसे एक बार देख लो, आओ पिसर का आखिरी दीदा देख लो, आओ पिसर का आखिरी दीदार दे, अकबर ने कुछ बहा। तफसील से
It's
राम दहशत की मोर जाती रात अपने जान कमियों की सुने सदा की रात लक्ष नगान दुर्यत मुस्तफा की रात जो हश्र से अजीम थी वो करबला की रात शकीर ने हयात का उन्ना बना दिया उस रात को भी सुबह दर्शन बना दिया तारीख दे रही है ये आदम बदन दस्ते सबाव तो अजम है दस्ते बलाओ हम सपुरे मसी हो जो रते सपुरा की कसम इस राह में है सिर्फ एक इंसान का कदम जिसकी
के बिस्तर पकारा इतना के हक की काम ले गिरने लगे हैं अगर तो कोई बहुत بہر صورت میں نے اپنے فریضے کو وہاں اپنے مناسب وقت تک پہنچا کر ختم کیا. یہاں صرف اس لیے آ گیا ہوں کہ یہاں سے تقریر ریلے ہوتی ہے, ریلے کے احباب مایوس نہ ہوں. میں جانتا ہوں کہ میرے معالج یہ سن کر پریشان ہوں گے کہ میں تکلیف کی شدت میں یہ چند جملے آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. آج محرم کی پانچویں تاریخ ہے, مختلف مقامات پر اس ریلے کے بعد علم اٹھنے والے ہیں. آج علم علی اکبر کے اٹھیں گے. میں حاضر ہوں اس لیے کہ اگر مقدرات عزیز علی میں یہی ہے کہ میں تقریریں نہ کر سکوں تو کم از کم میری تمانیت کا باعث ہوگا اور دل مطمئن ہوگا کہ میری آخری تقریر شہزاد علی اکبر کے لیے تھی. میں نے آپ کو ہمیشہ زحمت دی اور میں اس کے لیے معافی کا خواہاں ہوں. گھبرانے کا مقام نہیں ہے, اپنے فرائض منصبی کو اسی طرح سے ادا کرنا ہے. بہرحال آپ رہیں, آباد رہیں, شاد رہیں. اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے, اللہ آپ کے بچوں کو صحت سے رکھے, اللہ آپ کے کاروان محبت کو اسی طرح سے محشر تک لے جائے جہاں شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو. بہرحال اب چونکہ ایسے موقع پہ دو چار دقیقے ہی آپ کو زحمت دینی ہے, اس لیے قبل اس کے کہ میں ان باتوں کو کہوں, میں چاہتا ہوں کہ یہ امر واضح ہو جائے کہ بہر صورت ہم جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس مقصد سے کنارہ کرنا, پیچھے ہٹنا, اپنے ماحول سے متاثر ہو کر مقصد کو چھوڑ دینا نامناسب ہے. یہ چند جملے تھے اور اس کے بعد یہ ہے کہ علی اکبر کو میدان کی اجازت مل گئی. علی اکبر کو میدان کی اجازت مل گئی. میں پٹیل پارک میں یہی کہہ رہا تھا, زینب نے بھی اجازت دی, ام لیلہ نے بھی اجازت دی. حسین ابن علی بیٹے کا ہاتھ تھام کے اپنے خیمے میں آئے اور نانا کے تبرکات کا صندوق طلب کیا. نانا کا امامہ نکال کے بیٹے کو پہنایا, نانا کی ابا پہنائی, نانا کے اسلحہ جنگ سے آراستہ کیا, سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا اور کہا, علی اکبر جب کبھی نانا کو دیکھنے کے لیے دل چاہتا تھا میں تمہاری صورت دیکھ لیا کرتا تھا. علی اکبر جاؤ, علی اکبر اللہ کے حوالے کیا. یہ کہہ کے بیٹے کا ہاتھ تھام کے باہر آئے, آسمان کی طرف دیکھا,
और कहा खुदावंदा तू गवाह रहना कि अब मैं इस लश्कर की तरफ उस बेटे को भेज रहा हूँ जो खुल्क में कल्क में मंतिक में गुफ्तार में रफ्तार में तेरे रसूल के मुशाबे था। उसके बाद कहा इन्नल्लाह सफा आदम व नूहन व आल इब्राहिम व आल इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतन बादा मिन बाद वल्लाहु समीउन अलीम। आवाज दी कोई है मेरे बेटे के लिए सवारी का लाने वाला। किसी ने घोड़े को हाजिर किया। हुसैन इब्ने अली आके नजदीक खड़े हो गए। अली अकबर ने बाप के कदमों पर सर रख दिया। रकाब में पांव रख के पुश्त ज़ीन पर बुलंद हुए और एक मर्तबा बाप को सलाम करके जब चले तो मुड़ के देखा बाबा पीछे पीछे आ रहे। घबरा के कहा बाबा क्या बात है बाबा। कहने लगे अली अकबर आहिस्ता चलो अली अकबर तुम नहीं जा रहे हो मेरी जान जा रही है। अली अकबर आहिस्ता चलो। एक मर्तबा अली अकबर घोड़े से उतरे हुसैन इब्ने अली के करीब आए। आका के गोश हुमायून में कुछ कहा। हुसैन इब्ने अली खेमे की तरफ रोते हुए आए बहुत पुकार के रोए। ज़ैनब ने कहा क्या आका सुबह से कैसे कैसे अजीज मारे गए कैसे कैसे रफीक मारे गए मगर कभी आप पुकार के नहीं रोए। फरमाया बहन दुनिया में कायदा होता है बूढ़ा बाप जवान बेटे को वसीयत करता है। बहन ये जवान बेटा मुझे वसीयत करता है कि बाबा जब मैं मर जाऊं मेरी लाश खेमे में ललाना। बाबा मेरी माँ गरीब है मेरी माँ परदेसी है मर जाएगी। अली अकबर रवाना हुए। हुसैन इब्ने अली ने तनाब खैमा पे सर रख दिया। बेटे की जंग को देखना शुरू किया। ज़ैनब हुसैन के चेहरे को देख रही थी कि एक मर्तबा मुड़ के कहा ज़ैनब उम्मे लैला कहा है। अर्ज़ किया यही खड़ी है। कहा ज़ैनब उम्मे लैला से कहो माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। अरे जाए दुआ करे। उम्मे लैला अपने खेमे में आई फर्श उलट दिया मिट्टी पर बैठ गई सर के बालों को खोल दिया दोनों हाथों को बुलंद करके कहा या मन रात यूसुफ इला याकूब वो या मन रात इस्माइल इला हाजिर। ऐ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले ऐ इस्माइल को हाजिर से मिलाने वाले मेरे लाल को एक मर्तबा फिराने की इजाजत दे। ये दुआ तमाम नहीं थी। देखा अली अकबर तलवार से लहू की बूंदे टपकाते हुए बाप की खिदमत में आए सलाम किया। कहा बाबा आपने अली अकबर की जंग देखी बाबा आपने अली अकबर की लड़ाई देखी। कहा बेटा क्यों ना हो हैदर के पोते हो क्या कहने तुम्हारी लड़ाई का। कहने लगे बाबा आज एक हसरत रह गई बाबा बाबा अगर जरा सा पानी कहीं से मिल जाता तो आप देखते अली अकबर की जंग को। रो के कहा मेरे लाल जाओ साकी कौसर से आराम करेंगे। जाओ अली अकबर उधर गए और इधर हुसैन अब खेमे की तरफ नहीं देखते। आगे आगे बेटा जा रहा है पीछे पीछे हुसैन आगे बढ़ रहे। थोड़ी देर न गुजरी थी कि एक मर्तबा आवाज आई बाबा बाबा। उलमाए मकातिल बयान करते एक मर्तबा नहीं पुकारा अब मुसलसल आवाज आने लगी बाबा 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 बाबा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लोगों ने पूछा क्या बात थी। अली अकबर ने इतनी